ऑयल टैंकर शिप। कितना स्पीड से जा रहा है अभी। ये एलिफेंट आइलैंड है। अच्छा, इस आइलैंड में ना तीन विलेज है, तीन गांव है। अच्छा, एक आइलैंड में। अच्छा। समीर भाई का हालत खराब। कैसा लग रहा है? थक गए। यहाँ पर एक चीज़ का है ना ध्यान रखना पड़ता है क्या? हाथ में कुछ भी अगर चीज़ खाने की रहेगी ना तो बंदर आएगा और छीन के लेके जाएगी। देखो कालिया रोटी। अरे बाप रे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से रहोगे। सो आज है ना दोपहर के 1:15 बज चुके, मतलब 12:45 हुए, 12:45 हो चुके और अभी मैं जा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफंटा के लिए। क्योंकि पिछली बार भी गया था लेकिन इस टाइम कैसा मालूम है, मेरे दोस्त आए चेन्नई से है तो उनको लेके जा रहा हूँ। हाल ही में उनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई है और ये हमारे यहाँ पे समीर भाई। समीर भाई कैसे? अच्छा हूँ भाई। अच्छा ना, तो ये चेन्नई से आए थे, महाड़ में आए थे, महाड़ में मुलाकात हुई, तो ऐसे ऐसे दोस्ती भी। तो पूछ रहे थे कि कहाँ पे मुंबई में ऐसी कौन सी जगह है जो अच्छी घूमने के लिए। तो मैं बहुत सी जगह है वैसे मुंबई में, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एलिफंटा इनको लेके जा रहा हूँ। तो एलिफंटा घूम के अपन आएंगे। अभी दोपहर के 1:00 को आए, मतलब 12:30 हो गया, तो 2 बजे तक पहुँचेंगे एलिफंटा में। उसके बाद वहाँ पे घूमेंगे और फिर शाम में रिटर्न आएंगे। तो आज की जर्नी समीर भाई के साथ रहने वाली है। तो चलो मज़ा करते, थोड़ा एंजॉय करते, ठीक है? समीर भाई को बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसे जो देखने के लायक है। और पहली बार आदमी आता है तो उनको कुछ मालूम नहीं रहता है, तो समीर भाई को थोड़ा सा बता होगा। ओके चलो, समीर भाई के बेटे को आपको मैं बताया नहीं कि समीर भाई का दो नंबर बेटा। हाँ, इसका नाम क्या? रियान समीर। रियान समीर। और अदनान को तो अदनान आया ना, अदनान से मैं मिला हूँ। तो अदनान है अभी गांव में, मतलब चेन्नई में, उसके एग्ज़ाम वगैरह एग्ज़ाम वगैरह चालू है। तो ये छोटा भाई आया है तो ये दोनों को लेके जा रहा हूँ एलिफेंट आइलैंड में। तो आपको बता रहा था समीर भाई कि यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया से ना सामने इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मांडवाली वक करके एक विलेज है। अच्छा। जहाँ से आप लोग महाड़ में जा सकते हैं इजी। अच्छा। तो मैं ज़्यादातर यहाँ से ट्रैवल करता हूँ बाई बोर्ड अपना जाता है यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवाली वक के लिए। अच्छा। उसका 135 रुपीज़ टिकट है। अच्छा। उसके अंदर इंक्लूड रहता है बस का भी टिकट रहता है इंक्लूड। ओके। एक ही टिकट में 135 में बस भी रहता है। तो ये काफ़ी लोगों को है ना, मतलब अच्छा पड़ता है, सस्ता पड़ता है, इसलिए यहाँ से ट्रैवल लोग करते हैं। तो वहाँ पे मांडवा में छोड़ देगा ऐसा बोट, वहाँ से फिर आपको बस मिलेगा, बस में बैठ के आप लोग अलीबाग जा सकते हैं। वहाँ से फिर महाड़ जाने के लिए बहुत सारे बसेस मिल जाते हैं। तो ये शॉर्टकट रास्ता है। और आगे जाके ना दो चीज़ें आपको बतानी है, इसे दो नहीं तीन है। इस तरफ अगर आप लोग देखेंगे ना, चलो अपन उस तरफ जाएंगे। यहाँ पर है ना इस तरफ समीर भाई, वहाँ पे जो छोटा ब्रिज दिखाई दे रहा है मझगांव डॉक से, मझगांव डॉक के बाजू में बहुत सा धक्का है, फेरी ऑफ है। अच्छा। वहाँ से भी बोट अभी चालू हुआ है M2M फेरी। अच्छा। वो उसमें बस वगैरह, कार वगैरह, बाइक लेके जा सकते हैं मांडवा में, मांडवाली बाग में। अच्छा। ये भी अच्छा ट्रैवल है करने के लिए। मैंने इसके भी वीडियो बनाओ, 2-3 वीडियो बनाया हूँ। अच्छा। और ये अच्छा रहता है बाइक लेके जाने के लिए, कार लेके जाने के लिए। अच्छा। और ये सब जहाज है ना पार्किंग में लगे हुए। अभी फ़िलहाल इनको मतलब जैसा ऑर्डर मिलेगा जहाँ पे इनका रूट रहेगा जाने का, तो ये लोग चले जाएंगे। और आगे जाने का तो आपको 2-3 जगह में बताता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा। आपको भी याद रहेगा मुंबई में आए घूमे करके। और शाम में एक्चुअली समीर भाई को जाने का था हाजी अली, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि लेट आए कुछ काम की वजह से, गाड़ियों की पंक्चर हुई थी उसकी वजह से लेट हुआ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। सो चलो भी जाके छाँव में बैठते आगे। और एक शिप भी आ रहा है यहाँ से, तो दिखाई नहीं देगा अपने कैमरा में, लेकिन अपने को दिखाई दे रहा है वहाँ से कंटेनर शिप आता है उसकी। वो कहाँ पे जाके रुकता है ना, वो आपको आगे जाके मैं बताऊँगा। अभी एक शिप आएगा, देखेंगे आप। अब पहुंच गया है ना समीर भाई अपन, जहाँ पे मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर शिप आते हैं, सॉरी ऑयल टैंकर शिप आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये फॉरेन से जो भी आता है, हाँ, ऑयल जो कच्चा ऑयल आता है ना, वो यहाँ पे आके बड़े बड़े शिप रुकते हैं। यहाँ पे आगे पाइपलाइन पूरी गई है वहाँ तक आगे तक। अच्छा। वो जगह को BRC बोलते हैं। अच्छा, हाँ। बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ से रिफिलिंग होके फिर चला जाता है। इसके आगे भी जेटी है, तो उधर है वहाँ पे शिप, तो दिखाई दे रहा है। अच्छा। वहाँ पे दिखाई देगी।
बहुत से लोग आते हैं ना तो उनको कुछ जानकारी नहीं रहती है, तो ये क्या है, काय का ब्रिज है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। बहुत मजा आया आपके साथ, हम तो सब सुन के सब देख के और आप तो यहाँ पर पहली बार आए, फर्स्ट टाइम मुंबई में तो पहली बार आए और इस एरिया में भी पहली बार आए है ना? नहीं, मुंबई में पहले आया था मगर ये सब नहीं घूमा। अच्छा, ये इधर नहीं आया? नहीं घूमा, हाजी अली गया था। ठीक है, अभी इस बार अदनान ने, अदनान को बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा, देखो वहाँ पे पीछे है ना, पीछे साइड में जो अभी कंटेनर शिप गया वही से गया। वो जीएनपीटी पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है, वहाँ पे कार्गो शिप आता है और सामान खाली करके चलाता है, लोडिंग अनलोडिंग दोनों भी काम वहाँ पे होता है। वहाँ से भी सामान जाता है, जहाँ पे विदेश में जाने का रहता है वहाँ से भी जाता है और विदेश से आने वाला सामान भी यहाँ पे आता है, फॉरेन से जो लोडिंग अनलोडिंग होता है। हाँ, फॉरेन से, यहाँ से, वहाँ से, हर जगह से आता जाता है। तो इसको बोलते हैं जीएनपीटी पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और बर, सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, ये ये एलिफेंट आइलैंड है। अच्छा, इस आइलैंड में ना तीन विलेज है, तीन गांव है। अच्छा, एक आइलैंड में। अच्छा, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अभी इलेक्ट्रिसिटी आई है। तीन साल हुए, तीन साल या दो साल हुए इलेक्ट्रिक लाइट आई यहाँ पे। अच्छा, तो उससे पहले लोग अंधेरे में रहने थे। अच्छा, मतलब दो चार घरों में शायद जनरेटर है, बाकी के सब घरों में ऐसे ही। अच्छा, तो अभी फिलहाल इनको मतलब अच्छा लग रहा है लाइट वगैरह आई तो। यहाँ पे दो शिप लगते हैं, यहाँ पे शिप लगता है और एक आगे शिप लगता है। अच्छा, और फिर उसके आगे और एक तीन शिप देखो ऐसे दिखाई दे रहा है, अपन और आगे जाएंगे ना तो तीनों शिप दिखाई देगी अपने को। लगभग आधा रास्ता, आधे रास्ते से ज्यादा अपन ने क्रॉस की, अभी थोड़ा सा बाकी है, पहाड़ है ना इस पे अपने को जाने का, लेकिन आगे से अपने को टर्न मार के जाएगा बोट। अच्छा, इस तरफ देखोगे ना तो ये उरन करके गांव है। अच्छा, यहाँ पे भी बोर्ड जाता है। अच्छा, जो फेरी ऑफ को बताया बहुत सड़क का, वहाँ से जाता है यहाँ पे उरन के लिए। अच्छा, यहाँ से भी आप लोग पनवेल वगैरह जा सकते हैं। अच्छा, तो इस तरफ से भी बोर्ड जाता है, भाव के धक्के से जाता है, आता है बोर्ड। और ये पहाड़ है वो करंजा है। हाँ, और इसके आगे है ना, और थोड़ा आगे जाएगी ना तो एलिफंटा के आगे भी फो गई, इसकी वजह से दिखाई नहीं देगा। अच्छा, वरना वाशी का जो ब्रिज है वो दिखाई देता है, न्यू मुंबई। अच्छा, तो बिल्कुल सीधा जाएगा ना तो दिखाई देगा, लेकिन और आगे जाके देखेंगे, थोड़ा सा दिखाई देगा तो बताओगा। ये इधर जो समीर भाई शिप दिखाई दे रहे हैं तीन तीन, ये सब ऑयल टैंकर शिप है। अच्छा, अभी ये अनलोड हो रहे। अच्छा, सब ऑयल निकाल के अभी इसमें जाएगा, बीआरसी में जाएगा। अच्छा, तो वहाँ पे पीछे भी बताए वहाँ पे नहीं थे, अभी यहाँ पर देख रहे हैं तो तीन तीन शिप है और एक एक आगे वहाँ पर शिप है, उसके आगे एक शिप था वो निकल के आ रहा है अभी अपने सामने, देखो लालू वो अभी जा रहा है, खाली होके जा रहा है रिटर्न। यहाँ से जो ब्रिज अभी नया बन रहा है ना, ये नया ब्रिज अभी प्रोजेक्ट चालू है, और इस ब्रिज के आगे ब्रिज जो दिखाई देगा लेकिन अभी नहीं दिखाई देगा फोक की वजह से, वो पनवेल का अपना वाशी का ब्रिज। अच्छा, यहाँ से ट्रेन से अपन आते जाते, कार से आते जाते ना, वो वाला ब्रिज, लेकिन इसमें से दिखाई नहीं देगा फोक की वजह से। ऑयल टैंकर शिप कितना स्पीड से जा रहा है अभी, एम्प्टी हुआ है ना, खाली हुआ है, खाली वाला है। हाँ, ये भी खाली होके जा रहा है। बहुत एंजॉय किया, मजा आया, बहुत मजा आया आपके साथ, इतनी चीज देखने को मिल रही है। अब ये सामने के पहाड़ पे अपने को जाने का है, एलिफेंटा आइलैंड। हाँ, तो थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे बोट रुकाई देगी, आगे की रुकाई फैमिली को लेके आ जाओ, आ जाओ, हमारे अम्मी को भी लेके आ जाओ, आ जाओ। सो फाइनली अभी पहुंच रहे हैं हम लोग एलिफेंटा आइलैंड के पास। समीर भाई, इसे भी ना ट्रेन है, मिनी ट्रेन। अच्छा, फाइव ट्रेन है। हाँ, उसका टिकट है 10 रुपीज़। अच्छा, तो आने जाने का टिकट रहता है 10 रुपीज़ का। अच्छा, तो वो टिकट लेने का, टिकट लेके फिर जाने का वहाँ से, और आधे समय इसी ट्रेन से आने का। ठीक है, चलो। सो एलिफेंटा पहुँच गए हम लोग। हाँ, ट्रेन में से आपको बताया ना मैंने। हाँ, और यहाँ पर है ना समीर भाई, ये जो चेयर आप लोग देख रहे, हाँ, ये चेयर जो आदमी लोग ऊपर चढ़ नहीं सकते, सीढ़ी है ना 120 सीढ़ी है। अच्छा, ये चेयर के ऊपर जाने का रहता है, तो जिनको चढ़ने को प्रॉब्लम होता है ना, हाँ, तो इसमें बैठ के वो लोग चले जाते हैं ऊपर तक। अच्छा, अभी गए साल इसका मतलब हर साल चेंज होते रहता है, 2000 रुपये गए साल का ऊपर लेके जाने का और शायद लेके आने का, पता नहीं, अगर रहते हैं वहाँ पे तो उनको पूछे रहते, वो लोग भी गए खाना खाने के लिए, अगर ऊपर मिलते ना तो पूछेंगे उनको कि कितना चार्जेस है उनका। और यहाँ पे साइड में ना इसे सब शॉप लगे हुए रहते,
यहाँ पर एक चीज़ का है ना ध्यान रखना पड़ता है क्या, हाथ में कुछ भी अगर चीज़ खाने की रहेगी ना तो बंदर आएगा और छीन के लेके जाएगी। अभी फिलहाल अपने पास कुछ है ही नहीं तो भाई आपके साथ बहुत एंजॉय हुआ माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, कितने चीज़ बहुत एंजॉय किए हम लोग रास्ते में जो आप दिखाए। हाँ इसका हमको अभी यहाँ से अपने को 120 एरिया चढ़ने गए। अच्छा फिर अपने को केव्स जो मेन केव्स है वो मिलेगा आपको। अच्छा वो देखेंगे, उसके बाद आउटसाइड में मतलब थोड़ा सा उस तरफ है वहाँ पर तोप वगैरह रखा हुआ है। अच्छा कैनन, तो वहाँ पर अगर जाने का रहा, अगर तुम लोग अकेले नहीं रहेंगे तो वहाँ पर जाएंगे। चलो चलते अभी। समीर भाई का हालत खराब, कैसा लग रहा है? थक गए, चलो जाते खाना खाते, 2 बज गए तो वहाँ पे जाएंगे होटल में खाना वगैरह खाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। पिछली बार मैं और सतीश भाई आए थे यहाँ पर, इसी होटल में खाना खाए और सतीश भाई ने घर से लाए थे और थोड़ा सा हमने यहाँ से लिए थे राइस वगैरह कुछ लिए थे, तो इस बार फिर से मैं यहाँ पे बैठा हूँ समीर भाई को लेके, तो खाना खाएंगे अभी ऑर्डर करने का है, देखते हैं यहाँ पे क्या जल्दी मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि समीर भाई बहुत लेट हुआ है, समीर भाई ने अभी तक मतलब नाश्ता भी नहीं किए, लेट हुआ है क्योंकि गाड़ी उनकी पंक्चर हुई थी जिसकी वजह से नाश्ता करने को भी नहीं मिला, तो अभी पहुँचे लेट हुआ, देखते खाने में क्या। दादा कहाँ है, लवकर काय भेटेल? सगळे लगेच भेटेल। खाली आहे 3 घेणे, तो वेज थाली ऑर्डर किए क्योंकि चाइनीज़ वाइनीज या फिर जो भी बिरयानी बिरयानी अभी नहीं जमेगी है ना, क्योंकि ये लोग ट्रैवल में है ना। कल रात को डिनर वही खाए, अच्छा कल रात को डिनर भी वही किए थे इसलिए गड़बड़ हो जाएगी सफ़र में। तो वेज थाली मंगाई 3, वो बताओगे आने के बाद। फिलहाल यहाँ से है ना व्यू बहुत मस्त दिखाई देगा, लेकिन अपने कैमरे इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, अगर अच्छा कैमरा रहता और लेंस भरी वाली रहती तो आपको बताया रहता, लेकिन मैं मोबाइल से शॉट निकाल के आपको बताता हूँ। ये यहाँ से व्यू दिखाई देता है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, बहुत खूबसूरत। वहाँ से चलते चलते आए हम लोग, फिर ट्रेन पकड़े, ट्रेन पे से आधे रास्ते में आए और वहाँ से फिर चलते चलते ऊपर इस होटल में आए। अब यहाँ पे खाना खाएंगे और फिर जाएंगे ऊपर। हाँ अच्छा, मैं बाद में से समीर भाई करके बोल रहा हूँ, लेकिन समीर भाई को है ना चेन्नई में समीर बादशाह करके नाम से पुकारते हैं, मतलब उस नाम से इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है ना। हाँ बादशाह के नाम से जाना जाता है पूरा, समीर बादशाह। हाँ समीर बादशाह। हाँ और ये मैकेनिकल इंजीनियर है कौन सा? हाँ, कार मैकेनिकल इंजीनियर है। काफ़ी ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा और बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। तो ऐसे ही वहाँ पे मार में है ना, मतलब वो काम कर रहे थे तो दोस्ती भी इनसे, तो इतनी गहरी दोस्ती भी कि अब मुलाकात बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। चलो अभी ऑर्डर आने के लिए टाइम है, जब तक हम लोग बातें करते फिर आपको। सो आया अभी हमारा क्या बोलते हैं इसको, थाली प्लेट। तो इसमें है चावल, रोटी, दाल और सब्ज़ी, और ये एक सब्ज़ी है, ये वटाने की है, चवली की है, अचार और प्याज। तो दाल भात पावर 24 आवर, मस्त एकदम खाने का मज़े में फुल दबाने का। लेकिन एक मेहमान भी आया यहाँ पे खाने के लिए हमारे साथ में, लेकिन वो खा नहीं सकता क्योंकि है किधर भी है, इनसे बच के रहने का रहता है, एलिफेंट में ना इन लोग से बच के रहने का। अब कितने आएंगे देखो, यहाँ पर वहाँ से आ रहे, देखो उतर रहे, एक एक करके उतर रहे। हाँ आ जाओ। देखो खा लिया रोटी। अरे बाप रे। चलो बिस्मिल्लाह करते फिर मिलते हैं आप लोगों को, है ना, शुरू करते। सो अभी खाना खा के हमारा हो गया, और खाना खाने के बाद है ना, खाना कैसा था? जबरदस्त खाना था। दाल भात पावर 24 आवर। अभी 24 आवर है ना अपने पास, ताकत रहेगा। सो फाइनली पहुंच गए हम लोग एलिफेंटा केव्स के पास, और यहाँ से अंदर जाने का है केव्स में। समीर भाई पहली बार आएंगे केव्स के अंदर। पहले केव्स के पास है ना पहुंच गए, सामने पहला केव्स,
और यहाँ पे जाएगी समीर भाई अपन, यहाँ से आप लोगों को पहले केव से लेके यहाँ पे बहुत सारे केव्स है, लेकिन जितना लंबा अगर चलने की ताकत रहेगी उतना मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फिर पहला केव्स देख लो, उसके बाद फिर आगे आगे जाते और कैनन के पास अगर वो तोप के पास जाने करेगा ना तो यहाँ से अपने को जल्दी निकलना पड़ेगा। अच्छा ओके, तो देखते आगे का केव्स देख के फिर आगे चले जाएंगे। ठीक है, आए तो देखेंगे जरूर है ना। चलो और बताओ कैसा लगा आपको ये? सुपर अमेजिंग, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना? हाँ, अनबिलीवेबल। अली भाई के नाम आज का दिन। ये हमारे पुराने गाइड ऐसे ठीक है ठीक है, यहाँ के गाइड है। अच्छा, आपको सब इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन जो भी गर्ल्स आते हैं ना, मतलब फॉरेनर आते हैं, उनके लिए कोई भी आरबी अगर आता है ना, उसके लिए हर तरह की इनके पास ये क्या जबान है, हर तरीके की जबान के से लोग नॉलेज देते हैं। तो ये देखो एलिफेंट केव्स, ये पूरा है ना एक, ये है टापू है, पहाड़ है, तो पहाड़ के ऊपर एक खुदाई किया हुआ है। अच्छा, हाथों से तो है बनाया हुआ है। कैसा लगा?